नमस्कार, मूड ऑफ दिल्ली में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। आपको आज मैं लेकर चल रही हूं दिल्ली के सबसे पुराने इलाके चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, चांदनी चौक देखा जाए तो मध्य दिल्ली का हिस्सा है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी है और विधानसभा सीट भी। 1951 में सबसे पहली बार यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए थे। अब फिलहाल वर्तमान में विधायक आप पार्टी से अलका लांबा है, जो कि आप पार्टी छोड़ चुकी हैं और दूसरी पार्टी में शामिल भी हो गई हैं। तो अब ऐसे में इस बार की जनता क्या सोचने वाली है? देखा जाए तो चांदनी चौक दिल्ली का सबसे बड़ा थोक बाजार, यहाँ का पुराना और चर्चित मीना बाजार भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूर दराज से यहाँ कस्टमर आ रहे हैं, ग्राहक आते हैं खरीदारी करने, सौंदर्यकरण भी चांदनी चौक का चल रहा है। ऐसे में क्या कहना है यहाँ के व्यापारियों का, दूर दराज से आने वाले ग्राहकों का? इस बार यहाँ की जनता क्या मूड रख रही है अपने विधानसभा चुनाव को लेकर, अपने विधायक को लेकर, किन मुद्दों पर अपना मुख्यमंत्री चुनने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब आइए लेते हैं यहाँ की जनता से। ये सवाल रखते हैं उनके सामने, जानने की कोशिश करते हैं उनका मूड। मूड ऑफ दिल्ली, चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र। इस वक्त हम मौजूद हैं मशरूम का टीला इलाका और इसी इलाके में चंद्रावल, पुरानी चंद्रावल गांव ये कहा जाता है। यहाँ हमारे साथ इसी गांव के कुछ लोग मौजूद हैं और इस गांव में कितना विकास हुआ है इन 5 सालों में, क्या कुछ देखा है, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो खत्म हुई हैं और कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो इन सालों में मिली है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ की कुछ पुरानी महिलाएं हैं, शुरुआत से यहाँ रह रही हैं, किस तरह की समस्याओं से जूझ रही है या समस्याएं खत्म हो गई हैं, इनसे बेहतर शायद कोई ही बता पाए। तो अम्मा जी, कब से आप यहाँ रह रहे हैं? हमारी तो तीसरी पीढ़ी बीत गई अम्मा यहाँ। तो आपने तो बहुत कुछ देखा, समस्याएं भी देखी, सुविधाएं भी देखी, बहुत कुछ देख लिया। अम्मा, समस्याएं ज्यादा है या सुविधाएं ज्यादा है? समस्याएं ज्यादा है। अच्छा, क्या क्या समस्याएं हैं? बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, पानी नहीं है, खाने पीने को रोजगार बंद कर दिए सब कुछ, तो क्या समस्या नहीं है, क्या नहीं है? पानी नहीं आता आपके यहाँ? पानी नहीं आता बिल्कुल भी, ये चीबर रुके पड़े, सारा पानी दीवालों में मरता है, किसी दिन दब गए तो कौन निकालेगा हमारे बच्चे इनको। और अम्मा, जब नेताजी वोट मांगने आते हैं, आते तो होंगे? आते हैं ना। क्या क्या कहते हैं? तो वो बहुत कहते हैं लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। कहते बहुत कुछ है, कह के जाते हैं बहुत कुछ है, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। जब हमारी शिवर की परेशानी नहीं है, ठीक, पानी की नहीं है, तो और इससे बढ़ के क्या। और इस बार तो आपकी विधायक भी महिला थी? हाँ, महिला थी, कोई भी हो, महिला हो या कोई भी नेता हो, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। हमारी बिल्डिंगे हैं धसने लग रही है नीचे, सीवर के पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन फूटी पड़ी है, आप चल के देखो पीछे, हम उसका पानी कैसे पी सकते हैं? हम मोल पानी पीते हैं, हर रोज बोतलें मंगाते हैं, पीते हैं, जो हम कैसे कर सकते हैं इतना। बाकी ये दो समस्या तो सबसे ज्यादा लग रहा है। अम्मा, कुछ काम हुआ इन समस्याओं पे? कुछ भी नहीं हुआ, मतलब केजरीवाल सरकार भी काम नहीं कर पाई? कुछ कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है, पानी के लिए भी और सीवर के लिए भी बहुत ज्यादा। भैया, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम इस पुराने चंद्रावल गांव की बात करते हैं, कितना बड़ा वोट बैंक है ये गांव? इसमें लगभग 5 पोलिंग बूथ आते हैं और इसके अंदर एक बूथ के अंदर 2 से 2500 अपना पोलिंग करते हैं लोग। यानी हर राजनीतिक पार्टी का एक वोट बैंक यहाँ से है? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे और से। और आप लोगों को रिझाने लुभाने की हर कोशिश होती है? बहुत लुभावने लालच दिए जा रहे हैं। अभी भी जैसे आप देख रहे हैं कि बिजली के बिल कम कर दिए गए हैं, लेकिन ये आज से पहले जब कहा जाता था केजरीवाल जी की तरफ से कि मोदी सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही है, मुझे काम नहीं करने दे रही है, आज उसके पास कौन सी ऐसी पावर आ गई है कि आज वो 6 महीने पहले कहता है कि बिजली के बिल माफ कर रहा हूं मैं, पानी के बिल माफ कर रहा हूं, आज उसके पास कौन सी ऐसी पावर आ गई है जिससे कि वो कह रहा है कि आज हम तुम्हें सब कुछ फ्री दे रहे हैं। फ्री वाईफाई भी मिलेगा, फ्री वाईफाई का भी उन्होंने कहा था, फ्री कैमरे लगाने की उन्होंने बात कही थी। लगे आपके इलाके अभी हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं भी कोई कैमरा आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि मोदी सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं है, देश में काम हो रहे हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार दिल्ली में सिर्फ लोगों को एक ऐसी आदत डाल रही है कि मैं आपको सब कुछ फ्री दूंगी। वो सरकार किस काम की जो फ्री दे, मतलब लोगों को अपाइज करना चाहती है सिर्फ कि आदमी काम ना करे, काम करने लायक छोड़े कम से कम किसी को, फ्री के चक्कर में मतलब आदमी काम ही नहीं करेगा,
उसको पता है कि मुझे बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, आदमी कुछ करने लायक ही नहीं बचे। उनका तो ये मत है, उनका तो ये मत है कि वो लोगों का खर्च कम कर रही है। खर्च कैसे कम हो सकता मैडम इसमें? अभी आप 6 महीने पहले खर्च कम कर रहे हैं, उससे पहले लोग इस तरह परेशान थे महंगाई से दिल्ली में। हमारे यहाँ पानी की आप समस्या को देखेंगे, हमारे यहाँ आप देखेंगे सीवर लाइन की इतनी बड़ी समस्या हमारे यहाँ बनी हुई है। हम पिछली बार कई सालों से, यानी कि हम एक साल से नहीं, पिछले 5 सालों से लगातार, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ कि आपको पिछले 5 सालों से यहाँ पे हम सीवर की समस्या को लेकर बहुत परेशान हैं। और पानी की समस्या को लेकर यहाँ पानी लोगों के घरों में पीने का बिल्कुल नहीं आता है। मतलब पानी आता है? आपको नल का दिखाता हूँ, हमारे वहाँ भी नल लगा हुआ है सैंपल, बट उसमें पानी नहीं आ रहा। अब कम से कम साल भर हो चुका है, पानी नहीं आ रहा नल में। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ, उदाहरण दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ सच्चाई। जो सीवर लाइन जा रही है उसमें से पैप लीक है, और सरकार इतनी आई है चली गई यहाँ पे सब। और ये जो किसका बेहतर शासन लगा? बेहतर अभी तक जिस हमारी हिसाब से अगर हम बात करें, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई भी सरकार दिल्ली में नियमित रूप से नहीं आई है कि जैसे 15 साल तो शीला सरकार भी रही। शीला सरकार के समय में हम छोटे थे, इसलिए हम वहाँ। चलिए आप बताइए, शीला सरकार तो 15 साल रही, बेहतर थी? शीला सरकार तो सबसे बढ़िया थी, उसने सारे नक्शे बदल दिए दिल्ली के, लोगों को रोजगार दिया। आपके गांव की परेशानी दूर करी, आपकी सीवर लाइन की समस्या दूर करी? हमारे गांव की बहुत परेशानी दूर करी, उनके टाइमों में पानी मिला, बच्चों को नौकरी मिली, रोजगार मिले, सब कुछ मिला। और अलका जी ने भी अभी बहुत काम किया है यहाँ पर। सीवर की समस्या इतनी जबरदस्त है कि, और ये सर ये जो फर्श देख रहे हो सर, मेरा सवाल ये है कि शीला सरकार के समय बेहतर था? ये समस्या है तो सबने बता दी, बरसात आते ही ये सारे घरों में पानी इतना इतना खड़ा होता है, है। और अगर थोड़ी सी चूक हो जाए, अगर जो हमारे बाथरूम है उनमें अगर पोचा कपड़ा ना लगाएं तो पूरे घर में मछली की तरह सारा। ये हो गई सीवर की समस्या। अब मेरा सवाल ये है कि ये समस्या पहले भी थी, पहले की सरकारों के वक्त भी थी, या अब ज्यादा हुई है? जब क्या नाम है, इससे पहले जो नैना प्रेमवानी से पहले जो विधायक आए थे, एक तो जो है ना सतीश जी, और दूसरी जो है ना क्या नाम है, आप बताइए, विकास सुनिए, शीला सरकार के वक्त बेहतर था, कांग्रेस के टाइम पे पहले इससे बेहतर हालत थे? कांग्रेस के टाइम पे बहुत बेटर था, और उसके बाद बीजेपी ने काम जो किए पक्के नहीं हो रहे हैं, 20-20 साल हो गए कच्चे पड़े हुए, पक्के नहीं हो रहे। अभी तो कॉलोनियों को पक्की करने की भी लिस्ट निकली है। वो तो बस कहते रहते हैं, तो करना क्या है, कुछ करना भाजपा सरकार ने कहना, उनका काम कहना, हमारा काम सुनना कहना ही है। 100 साल से पुरानी कॉलोनी है, जो मजूरी रहे बहुत टाइम से बसा हुआ है चंद्रावल, 100 साल से ही पहले, पर इसके पक्के लिस्ट में नाम है या नहीं? कच्ची कॉलोनी को तो पक्की करने की बात कही है भाजपा ने, किंतु ये जो सरकार है कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने की जो बात हुई है, लेकिन ये कॉलोनी लगभग यहाँ पर 3-3, 4-4 पीढ़ियां लोगों की खत्म हो गई है इन्हीं कॉलोनियों में, और उसके बावजूद भी एक कॉलोनी अभी तक रेगुलाइज। तो अब आपका नाम है या नहीं? इसका नाम भी नहीं आया, लिस्ट तो हमने देखी नहीं है, पता नहीं है नाम है नहीं, बट जहाँ तक कह रहे हैं कि यहाँ का नाम नहीं आया। मैम ये 100 साल से भी पुरानी कॉलोनी है। नहीं तो अब क्या लग रहा है, तो फिर से आएंगे तीनों पार्टियों के नेता, फिर आएंगे वोट मांगने? आएंगे, और इस बार यहाँ की जनता बहुत ही अच्छे से पहले से तैयार है कि उन्हें इस बार क्या करना है, किसकी सरकार लानी है। तो फिर विधायक ने तो काम किया नहीं, फिर वोट मैम केजरीवाल जी के नाम, इसलिए तो वो है। अभी मैम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि कोई क्या करेगा, यहाँ पर लोगों को भटकाया, परेशान हो अपने विधायक से है? जी बहुत ज्यादा, नलकों में पानी नहीं आ रहा। तो नाम नहीं, काम के नाम पर वोट दोगे या केजरीवाल जी के नाम? जी काम के देखेंगे, तो फिर बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल बीजेपी सरकार आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। कह जाते हैं करते नहीं है, हाँ क्वार्टर अब तक भी नाम नहीं हुए, सब जगह के नाम हो गए कारपोरेशन के क्वार्टर, क्या हो रहे हैं, नौकरी नहीं है, 100 साल हो गए इन क्वार्टरों को। हमारी सास गई हूँ, कौन जिम्मेदार है अम्मा इसके लिए? भाजपा सरकार जिम्मेदार है, मोदी सरकार, केजरीवाल सरकार, कौन जिम्मेदार? जब रोजगार लगे तो बच्चे काम कर रहे हैं, बीजेपी जिम्मेदार है, मेरे खाली फिर रहे बच्चे तो और क्या करेंगे। चलिए तो ये है पुराना चंद्रावल गांव, और यहाँ की जनता का मूड हमने आपके सामने रखा है, जो कि चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आइए आगे बढ़ते हैं किसी और इलाके में, वहाँ पर जनता का मूड जानते हैं, आखिर क्या सोच रही है इस बार वहाँ की जनता विधानसभा चुनाव को। मुगल शासक शाहजहां ने
अपने वक्त में एक झील बनवाई थी चांदनी चौक में ही, और खूबसूरत फुहारे वहाँ लगाए थे। रात में वो फुहारे खूब जगमग करते थे और उसी के नाम पर इस इलाके का नाम चांदनी चौक पड़ा। लेकिन आज वो जगमगाता चांदनी चौक, क्या उसकी चकाचौंध आज भी बरकरार है? क्या उसकी चकाचौंध के बीच आज भी लोग उतनी सुविधाओं के साथ जी रहे हैं? ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, तो आइए उन्हीं से बात करके पूछते हैं कि समस्याएं हैं उनके इलाके में, क्योंकि देखा आप जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं, सौंदर्यकरण का ये काम छेड़ा गया है चांदनी चौक में। अब बहुत लंबा वक्त हो गया है लेकिन काम अब तक पूरा नहीं हुआ है, और मुश्किलें यहाँ लोगों को किस तरह की आ रही है इस सौंदर्यकरण के चलते, और साथ ही इससे पहले ऐसी कौन सी दिक्कतें थी जो अभी भी इस इलाके में देखने को मिल रही है? तो आइए बात करते हैं यहाँ कुछ लोगों से। भैया, आप रोज आना जाना यहीं से कर रहे हैं? जी मैम, यहाँ रोज आना जाना कर रहे हैं, कम से कम एक साल हो गया यहाँ काम चलते हुए, बट अभी तक कुछ सुधार आया नहीं। बोला है वहाँ तक काम पूरा हो गया, बट आधा काम अभी रुका हुआ ही है। रोज आने जाने में, व्यापार में भी दिक्कत हो रही है, भीड़ हो रही है यहाँ। मतलब टॉयलेट करने के लिए लोग भी जाते थे, फिर भी आना जाने में बहुत, मतलब इतनी भीड़ हो गई है कि गैप खत्म हो गया। इतने से गैप में कहाँ लोग आदमी चलेगा। लग रहा है चांदनी चौक की वो चमक आज है। चौक की चमक नहीं है मैम, जो व्यापार थे आप देख रहे हैं, कई मैम बहुत सारे व्यापारी है, तो दिक्कतें तो चल ही रही है। क्या क्या दिक्कतें हैं इस सौंदर्यकरण के चलते, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? सबको दिक्कत है, गाड़ी लाने में, माल ढूंढने में, हर आदमी को पल्लेगार जो है माल जाते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप खुद देख रहे हो, क्या मेरा घर 2 साल हो गया अभी कुछ हुआ नहीं। क्या इसके चलते बिजनेस पर फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फर्क है, सब बंद, मेरा गलत है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। क्योंकि हम यहाँ पे आज नहीं, कम से कम 4 साल से मैं रोज आता हूँ, रोज जाता हूँ यहाँ पे। पूरे मार्केट की ऐसी गंदी हालत हो रखी है ना, चलने की जगह बिल्कुल एकदम पूरा बैरियर लगा रखा है। पूरे मार्केट की ऐसी गंदी हालत हो गई, लोगों के बिजनेस पूरे ठप हो गए एकदम, क्योंकि यहाँ पे मैं तो ये चांदनी चौक जाना जाता है बिजनेस के लिए, और ये बिजनेस ही जब यहाँ का ख़त्म हो जाएगा लोग कैसे जिएंगे, कैसे अपना लाइफ सर्वाइव करेंगे? और सबसे ज़्यादा यहाँ पे चलने में दुश्वारी होती है कि यहाँ पे लोग हर रोज़ लाखों लोग आते हैं, लाखों के लाखों लोग आते हैं, और एक के ऊपर एक चढ़ते रहते हैं। क्यों, कोई भी देख लो, वो बाहर से लोग आते हैं, कहते हैं यहाँ पे कैसे लोग चलते हैं, यहाँ पे लोग हर किसी को एक दूसरे को धक्का मार के जाते हैं। इतनी फेमस मार्केट है, इतनी फेमस थोक मार्केट है, लग रहा है इस थोक मार्केट में आज भी कस्टमर आना चाहता है? ये तो बहुत जल्दी काम होना चाहिए, जो डिले हो रहा ना, ये डिले नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत है जिस एजेंसी ने काम किया हुआ है उस एजेंसी पे सारा कुछ होना चाहिए। मेन चीज़ सारा व्यापार ऐसी की तैसी में गया हुआ है, सारे लोगों को दिक्कत। बिजनेस डाउन हुआ अगर एक साल की बात करें, इससे पहले भी हुआ, अभी भी हुआ, अभी बढ़ाने को राजी नहीं, कुछ नहीं है जी, बिल्कुल डाउन है। और ये मैं नहीं समझता कि अभी 2-4 महीने में हो जाएगा, बहुत जल्दी इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, बस हमारा इतना ही कहना है। वर्कर को भी परेशानी है, प्लस अपने बिजनेसमैन को भी परेशानी है। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है, वो मैं अलग मैटर, बिल्कुल नहीं नहीं, चुनाव आ रहे हैं, विधायक ने यहाँ काम किया, अलका लांबा है ना, कोई कुछ काम वाम नहीं दिख रहा, सब कुछ नहीं, अलका लांबा कुछ नहीं, कुछ काम नहीं। तो अब सरकार चुनने का फिर मौका आएगा, विधायक देखते हैं, वो तो वक्त बताएगा। क्या बाबा, यहाँ आप लोग भी यहीं आते जाते हैं, काम करते हैं? ना ना ना, कुछ समस्याएं इलाके की है कुछ समस्याएं? अगर कोई काम हुआ होता तो समस्या बताते ना, सब समस्या ही है, कुछ हुआ ही नहीं है तो क्या बताए। अगर 1% भी कुछ काम हुआ होता तो बताते कि ये काम हुआ, ये समस्या है। काम हो रहा है इलाके में? काम तो हो रहा है, पानी का काम हो गया तुम्हारा, बिजली का काम हो गया, ये बतलाओ है ना, अब सारे काम कोई है। चांदनी चौक में कितना काम हुआ? मेन हमारा चांदनी चौक में काम नहीं हुआ, बाकी केजरीवाल ने पानी बिजली और हेल्थ और एजुकेशन, आपका काम धंधा ही ठप पड़ा है तो फिर कैसा काम? बीजेपी ने खराब कर दिया ना, उसमें आप किसी सरकार को कुछ नहीं कह सकते। तो फिर दिल्ली के लिए कौन बेस्ट है? केजरीवाल बेस्ट है मैम, केजरीवाल ने सब किया जो चाहिए था वो सब। उनकी विधायक तो कभी यहाँ कभी वहाँ, नहीं उससे हमें क्या लेन देन, हमें केजरीवाल नहीं, आपके इलाके की तो वो विधायक रही हैं, काम उनके, देखो केजरीवाल के अंडर में केजरीवाल सब कुछ कर रहा है, विधायक का कोई लेना देना नहीं उसमें, केजरीवाल जो ऑर्डर करता वही होता है और वो हो भी रहा है। हमें तो क्या हुआ इन 5 सालों में, क्या सुधार हुआ आपके इलाके? सुविधा मिलनी चाहिए थी, सब चीज मिली हमारे इलाके में, जो ये हुआ हुआ बस इससे थोड़ी हमें परेशानी हो रही है, और ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। वैसे कोई इसके अलावा कुछ और समस्याएं हैं आपकी? नहीं हमें कोई समस्या नहीं है किसी भी चीज की, बस इसे छोड़ के ट्रैफिक से और ये थोड़ा जो जाम रहता है इससे परेशानी होती है, हमारे बिजनेस में काफी असर पड़ रहा है और बिजनेस को ठीक करना है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बीजेपी सरकार, बिजनेस को तो वही आपको भी पता है कि कौन जिम्मेदार है, नोटबंदी हुई, GST हुई, इससे बिजनेस में व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ। दिल्ली के लिए सबसे बेस्ट केजरीवाल, दिल्ली के लिए। कांग्रेस भी सही है, इनके बाद में कांग्रेस वैसे तो केजरीवाल सही है, फिर लेडीजों के लिए भी कर दिया थोड़ा सा,
बस के नहीं है और तुम्हारा बिजली का भी फ्री आ रहा है। लग रहा है बाबा केजरीवाल कर रहे हैं उद्धार दिल्ली का, सही कर रहे हैं केजरीवाल, काम बढ़िया कर रहे हैं आजकल। बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं कर रहे थे, झूठे वादे हैं इनके सिर्फ खाली, और कहते हैं पिन्नी बंद करेंगे लाल किले पर, अनाउंसमेंट करते हैं पिन्नी बंद हुई है, कह रहे हैं प्रदूषण बंद हुए, कहाँ पिन्नी बंद हुई है, इतना कूड़ा फिर हो गया फिर। बिल्कुल, तो ये है यहाँ की जनता चांदनी चौक में जो काम कर रहे हैं। एक आंटी से भी बात करने की कोशिश करते हैं, आंटी यहाँ काम करते हैं या बिजनेस है? विजिट करने के लिए। तो विजिट करने आए अंकल, कैसा लग रहा है चांदनी चौक आकर? पहले से तो बहुत काफ़ी चेंज है, क्योंकि मैं 2-3 साल बाद आया हूँ, ये मैं आज पहली बार देख रहा हूँ जो इतनी खुदाई वगैरह हो रखी है, तो मुझे थोड़ी लेग की प्रॉब्लम है तो मुझे वॉक करके ज़्यादा आना पड़ा, क्योंकि अंदर स्कूटर रिक्शा अलाउड नहीं है। तो लगता है चांदनी चौक की वो चमक आज भी बरकरार आ रहा है? इसको देखते तो नहीं, बाकी जब नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर में देखेंगे अगर ज्यादा क्या इन्होंने जरूरत थी आंटी से चांदनी चौक को? हाँ जी, बहुत जरूरत है इसको तो, क्योंकि ये हमारा हेरिटेज है, तो इसमें बहुत जरूरत है बहुत कुछ होने की। चलिए, तो आज परेशानी जरूर है, लेकिन ये काम कब तक चलेगा ये सवाल यहाँ की जनता का है जो यहाँ काम करने आ रही है या जो अपना व्यापार करने आ रहे हैं। तो फिलहाल चांदनी चौक ही क्षेत्र में हम यहाँ मौजूद थे, बड़ा थोक व्यापार है, बड़ा थोक बाजार है ये दिल्ली का। और आगे चलते हैं, चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र का हम जायजा ले रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं जनता का मूड इस बार के चुनाव को लेकर। जामा मस्जिद इलाके में मौजूद हैं और ये इलाका भी चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इस इलाके में समस्याएं हैं या नहीं, या यहाँ की जनता किस मूड में है इस बार, कौन सी सरकार चुनना चाहती है, किस पार्टी की सरकार चुनना चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए बात करते हैं, क्या लगता है बाबा इस बार सरकार किसकी आती हुई दिख रही है? देखिए, सरकार किसी की भी आए, एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट इस वक्त है वो अकॉर्डिंगली वर्क कर रही है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है आप लेके जाइए, वो उसको सॉल्व कर देते हैं। अब ये तो है नहीं कि वो घर घर आकर के आपके प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आपका कोई मसला है तो आप उनको एड्रेस कीजिए और वो उसको सॉल्व कर देते हैं। मतलब लग रहा है कि मौजूदा सरकार में जनता की सुनी जा रही है और जनता के लिए काम हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो वर्क करते हैं और उसको रेस्पॉन्स देते हैं काम को। ये बहुत पॉजिटिव है मैं समझता हूँ प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए। अब ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी कि वो रेस्पॉन्सिबल पर्सन को पसंद करते हैं या इरेस्पॉन्सिबल को। बहुत से लोग सिर्फ डमी को पसंद करते हैं कि वो उनके लिए मौजूदा गवर्नमेंट से पहले क्या डमी गवर्नमेंट थी, क्या इरेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी? आर यू सीइंग दैट? नहीं, मैं नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो पहले गवर्नमेंट थी वो भी उसको हम अगर कोई प्रॉब्लम लेके जाते थे कम अज़ कम वो सॉर्ट आउट कर देती थी। मेरे अपने लेवल पे तो ऐसा मैंने देखा है, लेकिन आपके लेवल पर हो जाती थी। जी जी। लेकिन अगर आम जनता की बात करें, आम रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात करते हैं, समस्याएं अगर हम इस इलाके की जानें तो एट प्रेजेंट कौन कौन सी समस्याएं हैं जामा मस्जिद इलाके? ये बिजली पानी की समस्या है और सॉर्ट आउट करी है, 100% सॉर्ट आउट करी है। अच्छा, पहले यहाँ पे बिजली पानी की समस्या थी? बिजली इन द सेंस कोई सुनवाई नहीं थी बिजली की, आपने आपके बिल कम कर दिए हैं कि देखिए आप। पानी की प्रॉब्लम थी यहाँ पर, पानी आता नहीं जल बोर्ड का, तो इन्होंने अपनी सेवरिंग वो कराई है, बोरिंग कराई है। और जनता नहीं, जनता का ये भी कहना है कि हमारे ही पैसे का ही यूज़ हो रहा है, जो टैक्स हम पे कर रहे हैं, जो इतने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं वही सब यूज़ हो रहा है, तो इससे हमें क्या फ़ायदा? हाँ जी बताइए क्या कह रही हैं। नहीं आप बताइए ना, जनता ये भी तो सवाल, मतलब कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं। टैक्स है, जनता का टैक्स है, वो यूज होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो टैक्स पे सब लग रहा है आपको कि बिल कम हुआ है, ये चुनावी स्टंट नहीं है, वाकई में जनता का, वाकई जनता का फायदा है, चुनावी स्टंट नहीं है। तो अगर हम कांग्रेस की बात करें, 15 साल तो आपने उन्हें भी मौका दिया, कांग्रेस ने घुमाया खूब है। जो हम आम आदमी पार्टी ने जो काम करा है 5 साल में, वो 20 साल में कांग्रेस ने नहीं करा। अच्छा जी, तो लग रहा है। और विधायक की अगर हम बात करते हैं, अलका लांबा है ना कि विधायक थी, अब दूसरी पार्टी आप कांग्रेस में चली गई है, तो कांग्रेस में चली। देखिए यहाँ इंडिविजुअली हम किसी को क्रेडिट नहीं दे सकते, ऑल इन ऑल केजरीवाल गवर्नमेंट का जो नेटवर्क है पूरी दिल्ली के अंदर, उसका रिजल्टेंट जो है बहुत पॉजिटिव है। एक सिंगल अगर किसी विधायक की परफॉर्मेंस अकॉर्डिंगली नहीं है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट सही नहीं है। तो वो अलका लांबा हो या कोई भी हो, एक्स वाई जेड जो भी है, जो जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको फॉलो करता है। और लोगों से पूछते हैं, हम समस्याएं जान रहे हैं, चुनाव को लेके हम बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आती दिख रही है? भाई चुनाव के बारे में अगर दिल्ली के लिए सोचा जाए
तो इस वक्त दिल्ली सरकार जो इस वक्त मौजूद है उसके काम हमें दिख रहे हैं कि उन्होंने लोगों के लिए करे हैं। अब से 5 साल पहले जो इश्यूज थे उसके अंदर एक मेन इशू था एजुकेशन एंड मेडिकल, ये दो इश्यूज जो हुए हैं उसको एक आम पब्लिक को उसका फ़ायदा पहुंचा है। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने एक आम आदमी का हौसला बनाए कि वो उससे सवाल पुट अप कर सके कि उसके बारे में कि वो उसने क्या करा है। तो ये हौसला जो हमारी दिल्ली की गवर्नमेंट ने एक आम सिटीज़न दिल्ली के सिटीज़न को दिया है तो मेरा तो फेवर है। तो क्या ये भरोसा क्या पहले कभी कांग्रेस नहीं दिला पाई, क्या कभी भाजपा नहीं दिला पाई जिसे आपने खुद केंद्र में विराजमान किया? ऐसा है इन दोनों पार्टीज़ के जो पॉलिसीज़ रही हैं वो इस तरीके से रही हैं, कुछ पर्टिकुलर पर्सनालिटीज़ को वो हायर कर लिया करते थे या अपने इर्द गिर्द रखते थे, लोग उन्हीं से कनेक्ट होते थे और उनके ज़रिए से वो लोगों का काम होता था। और अगर मैं गलत ना हूँ तो शायद आप लोग तो कांग्रेस के बहुत बड़ा वोट बैंक भी रहे हैं, तो ये इतना बड़ा चेंज क्यों आप बताइए? अच्छी तो बात, असल में गवर्नमेंट ने कांग्रेस ने हमें जो है ना सिर्फ एक लॉलीपॉप देकर हमें खुश करना चाहे, हमें फ्रंट पे नहीं आने दिया। तो ये ठीक है काम ऐसे हुए हैं, गवर्नमेंट ने हमें सामने रख के अपने फ़ायदे निकाले हैं, मगर इस गवर्नमेंट ने हमें भी साथ लेकर चलिए और लोगों को भी साथ लेकर चलिए, जिसकी वजह से एक आम आदमी को हौसला हुआ है कुछ काम करने का। जामा मस्जिद की दिक्कतें हैं बताइए सर, जामा मस्जिद की दिक्कतें क्या क्या हैं मौजूदा? बहुत सारी हैं, इनकॉस्टमेंट हम कह सकते हैं, इसके अलावा यहाँ का ट्रैफिक निज़ाम। हम रोज़ाना हर जुमे को जामा मस्जिद पर आते हैं, बलीमारान में हम रिहाइश करते हैं, और चावड़ी में आप यकीन ना करें इतने सारे ऑटोज़ और ठेले वगैरह मौजूद होते हैं कि हमें इतनी मुश्किल होती है यहाँ तक पहुँचने में। दोपहर को जब एक गवर्नमेंट को पता है हमारी कि एक वक्त मुकर्रर है हमारा कि हमें दोपहर को 12:30 से लेके 1:30 बजे के बीच में जामा मस्जिद पर नमाज़ अदा करनी है, क्या हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है यहाँ पर वो चावड़ी को साफ़ नहीं कर सकते, वो हमारे लिए निज़ाम नहीं कर सकते कि भाई आउटडोर्स वगैरह जो है वो साइड में हो जाएं, कम से कम लोगों को रास्ता निकलने का मिल जाए। कोई बूढ़ा भी होता है, बहुत सारे मरीज़ भी हैं, बहुत सारे लोगों को जाना पड़ता है वहाँ पर। तो क्या ये हल इस गवर्नमेंट ने निकाला है? देखिए इसके अलावा तो बहुत सारे काम अच्छे किए हैं हमारे, हाँ इस तरफ जो है थोड़ी तवज्जो होनी चाहिए, ट्रैफिक का निज़ाम भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा इस गवर्नमेंट की वाकई ये बहुत तारीफ़ की बात है कि जो भी इशूज़ हमारे इलाकाई थे यानी जो ग्राउंड लेवल पर थे वो बहुत अच्छे इसने हल किए हैं, हमारी गलियों की सफाई वगैरह, इसके अलावा जितने भी मतलब ये कहें कि जामा मस्जिद के हालात इन 5 सालों में बदले हैं, सुधरे हैं, यकीन बदले। तो इस बार की गवर्नमेंट आप चाह रहे हैं वापसी? चाहेंगे बिल्कुल, केजरीवाल की गवर्नमेंट चाहेंगे बिल्कुल यकीनन, क्योंकि जिस तरह इन्होंने हमें करके दिखाया है ग्राउंड लेवल के ऊपर, तो हम तो यकीन ही चाहेंगे कि केजरीवाल दोबारा आए बिल्कुल। हम यहाँ पर जिस तरह से बात कर रहे हैं जामा मस्जिद इलाके को लेकर, यहाँ की जनता का आपने मत सुना, दिक्कतें सुनी और उन समस्याओं का समाधान हुआ भी है, हालांकि कुछ एक आध समस्या रह गई हैं, लेकिन जिस तरह से इन 5 सालों में विकास हुआ है उसको लेकर यहाँ की जनता फिलहाल मौजूदा गवर्नमेंट से खुश होती नजर आ रही है। तो ये है यहाँ का मत, यहाँ की जनता का मत। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी और एपिसोड में, जानेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र का हाल, वहाँ की जनता का मत। नमस्कार।